like a Hellcat. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए क्रोशे का बहुत प्यारा सा डिजाइन लेकर आई हूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैंने देखिए इसमें 40 चैन बुन ली है, और 40 चैन बुनने के बाद फ्रेंड्स आपने क्या करना है, देखिए आपने एक चैन स्किप करके सेकंड चैन में आपने इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। तो फर्स्ट रो हमने पूरी सिंगल क्रोशे से ही बुननी है इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से हम ये पूरी रो कंप्लीट करेंगे। मैंने फर्स्ट रो देखिए कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड रो बुनेंगे, तो देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक और दो, दो बल डालेंगे और नीचे से गिनेंगे। देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, यानी कि छठी चैन में आपने इस तरह से ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन, देखिए फ्रेंड इस तरह से हमने ट्रिपल क्रोशे से इसी चैन में तीन बार बुनना है इस तरह। देखिए एक दो और इस तरह से। अब देखिए एक दो तीन हो गए। अब हमने क्या करना है, इसे शेप देनी है। तो तीन चैन बुनेंगे, और तीन चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ इस तरह से इसे शेप देंगे। आप क्या करेंगे, देखिए एक दो तीन चार, फिर देखिए दो बल डालेंगे और यहाँ से एक दो तीन चार पाँच छः, छठी चैन में फिर से हमने पहले शुरू का। तो देखिए इस तरह से हमने फर्स्ट रो कंप्लीट कर ली। अब हम सेकंड रो बनाएंगे। तो देखिए पलटने के बाद हमने दो चैन बुननी है। इसके बाद देखिए एक दो तीन, दो बल डालेंगे और देखिए यहाँ एक दो तीन चार पाँच छः, इस वाली छठी चैन में आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है। एक दो तीन, देखिए तीन बार बुन लिया। फिर एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसे शेप देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे, फिर इसी चैन में हमने फिर से फ्रेंड इसी में बुनना है। देखिए इस तरह से एक दो तीन, फिर देखिए एक दो तीन, इस तरह से एक दो तीन। तो देखिए दो चार हो गए, और इसके बाद एक दो तीन, यहाँ दो बुनेंगे, और दो बुनने के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छठी चैन में हमने फिर से इस तरह से सिंगल क्रोशे से बुनना है। फिर एक दो, दो के बाद एक दो तीन चार पाँच छः, छठी चैन में हमने फिर से ट्रिपल क्रोशे से एक दो तीन चार पाँच छः, यहाँ यहाँ बुनेंगे एक दो तीन, दो हो गए, तीन, चार, दो चार हो गए। फिर से शेप देंगे, तीन चैन बनेंगे और यहाँ इस तरह से सिंगल से इसको इस तरह से एक पत्ती सी बनेंगी। फिर एक दो तीन, फिर दोबारा से इसी में बुनेंगे। इसी चैन में हमने फ्रेंड्स बुनना है एक दो
और ये तीन, ये फिर एक और दो, एक दो तीन चार पाँच छः, छठी चैन में फिर से हमने इसको इस तरह से, फिर एक दो, आप देखिए एक दो तीन चार पाँच छः, या छठी चैन में आपने इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड, इस तरह से हम सेकंड रो को बनाएंगे। देखिए जैसे दो पत्तियां बनी हैं, फिर एक चैन में हमने नीचे सिंगल से यहाँ पे ज्वाइंट करा है, फिर दो पत्तियां बनाई हैं, ये थर्ड पत्ती बनाकर इसे कंप्लीट करकर मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से देखिए मैंने सेकंड रो कंप्लीट कर लिया। देखिए दो पत्तियां मैंने आपको ये बता दी थी, दो फ्लावर, और ये मैंने रिपीट कर लिया और बिल्कुल लास्ट पर आ गए थे। तो दो चैन बुनने के बाद आपने छठी चैन में इस तरह से सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करना है। फिर देखिए एक दो तीन और ये चार, चार चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए दो बल डालेंगे और यहाँ देखिए यहाँ पर आपने यहाँ एक दो और ये तीन, इस तरह से देखिए तीन बार बुना और इन सबको एक साथ बुन लेंगे। फिर आपने एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और देखिए इसी चैन में आपने सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करना है। तो देखिए इस तरह से इस पत्ती का लुक आएगा फ्रेंड्स। फिर देखिए एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बुनेंगे, एक और दो, दो बल लेंगे और देखिए पहले आपने यहाँ सिंगल से ज्वाइंट करना है इस तरह। फिर आपने एक दो तीन चार, फिर दो बल लेंगे और इसी के अंदर इस तरह से। फिर देखिए दो हो गए, दो के बाद ये तीन, फिर देखिए यहाँ चार, और इन चारों को एक साथ बुन देंगे इस तरह से। फिर देखिए एक और दो, दो बल लेंगे और यहाँ बुनेंगे इस वाली पत्ती पे, एक दो तीन, और इन सबको एक साथ इस तरह से बुन देंगे। फिर क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और देखिए यहाँ इसे जॉइंट करेंगे इस तरह से। देखिए फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बुनेंगे, एक पांच चैन बुनने के बाद देखिए यहाँ इस फर्स्ट चैन पे इस तरह से पहले जॉइंट करेंगे, फिर एक दो तीन चार बल लेंगे और इसमें बुनेंगे, एक दूसरी चैन में बुनेंगे, दो और ये तीन, और इन सबको एक साथ बुन देंगे इस तरह से। देखिए फिर आपने क्या करना है, एक और दो, दो चैन बनेंगे और यहाँ इस तरह से, एक दो तीन, देखिए तीन बार बुना और इन सबको एक साथ बुन देंगे, फिर एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और इसे पत्ती का शेप देने के लिए यहाँ सिंगल से जॉइंट करेंगे इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पाँच, पांच चैन बुनेंगे और देखिए इस तरह पहले यहाँ सिंगल से जॉइंट करिए इस तरह। फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे,
देखिए चार चैन बुनने के बाद दो बल लेंगे और देखिए पहले इसमें एक एक दूसरी चैन में भी इसी तरह बुनेंगे दो और ये तीसरी चैन में भी इस तरह बुनेंगे और फिर इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर देखिए एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे और यहाँ इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। फिर देखिए इस तरह से फ्रेंड्स, देखिए यहाँ भी पत्ती आ गई और यहाँ भी पत्ती आ गई। अब आपने क्या करना है, एक और दो, दो बल लेने हैं और यहाँ से इस तरह से एक दो तीन, देखिए इस तरह से हमने देखिए थर्ड रो भी कंप्लीट कर ली है। देखिए फ्रेंड इस तरह से इसे शेप नहीं देंगे, बस इसको सबको एक साथ एक दो तीन चारों को एक साथ बुनने के बाद यहां से आपने फिर से देखिए यहाँ इस तरह से एक दो और ये तीन, अब ये हमारी कंप्लीट हो गई ये थर्ड रो भी। अब हम फोर रो बुनेंगे। देखिए फ्रेंड्स चार चैन बुनने के बाद आपने फिर से देखिए एक और दो, यहाँ आपने देखिए यहाँ फास्ट में यहाँ आपने ट्रिपल क्रोशे से बुनना है एक, फिर इसी चैन में बुनेंगे हम, तीन बार बुनना है हमें इसी चैन में, तो दो हो गए और ये तीन इस तरह से। देखिए तीन बार बुन लिए और एक चैन लेके चार हो गए। अब आपने क्या करना है, देखिए एक और दो, दो चैन बुनिए और देखिए इस जाली पे यहाँ इस जाली के बीच में डाल के क्रोशिया यहाँ सिंगल से बुन दीजिए। फिर एक और दो, दो चैन बुनिए, एक और दो, देखिए यहाँ ये हमारा फूल वाला है, यहाँ फूल बनेगा हमारा इस तरह से। देखिए एक दो तीन, देखिए तीन बार बुना मैंने, फिर एक दो तीन, तीन चैन बुनेंगे और इसी में दोबारा से बुनेंगे सिंगल से इस तरह से। फिर एक दो तीन, फिर ट्रिपल क्रोशे से इसी चैन में आपने तीन बार बुनना है एक दो और ये तीन। देखिए इस तरह से जैसे हमने ये फर्स्ट रो बुनी थी, देखिए इस तरह बिल्कुल इसी तरह में ऊपर बुन रहे हैं। फिर एक और दो, दो चैन और इस जाली में इस तरह से बुनेंगे। देखिए फिर एक और दो, दो चैन और अब आपने यहाँ यहाँ भी आपने ट्रिपल क्रोशे से तीन बार बुनना है एक दो तीन, फिर एक दो तीन और इसको शेप देंगे पत्ती की इस तरह से। फिर एक दो तीन, फिर से हमने ट्रिपल क्रोशे से तीन बार बुनना है एक दो तीन और फिर एक दो, दो चैन और यहाँ इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से मैं इस रो को पूरे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने फोर रो भी कंप्लीट कर लिए। देखिए ये पत्ती भी बता दी थी, ये भी, और देखिए लास्ट में जो ये बना है मैंने इस तरह से जैसे यहाँ मैंने बनाया था बिल्कुल इस तरह से मैंने यहाँ बना लिया है। अब आपने क्या करना है, देखिए अब हमने फाइव रो स्टार्ट करनी है। तो देखिए यहाँ से करेंगे एक दो तीन चार पाँच छ, छह चैन बुनेंगे और छह चैन बुनने के बाद देखिए इस तरह से आपने क्या करना है, देखिए यहाँ एक
दो, तीन, और अब इन तीनों को, ये चारों फंदों को एक साथ बुनना है इस तरह से। और फिर देखिए दो बल लेंगे, और अब आपने देखिए यहाँ एक दो, फिर देखिए दूसरे में भी बुनेंगे इस तरह, फिर देखिए तीसरे में भी बुनेंगे इस तरह, और फिर आपने इन सबको एक साथ बुन देना है। फिर एक दो तीन चार, चार चैन बुनेंगे, और यहाँ इसको इस तरह से शेप दे देंगे। फिर एक दो तीन चार पांच, पांच चैन बुनेंगे, और देखिए यहाँ यहाँ आपने इस तरह से जाली डालनी है। फिर एक दो तीन चार, फिर बल लेंगे और इसी में बुनेंगे, एक दो और तीन, देखिए मिला के चार हो गए। इन चारों को एक साथ बुन लेंगे। फिर एक और दो, दो बल लेंगे, और देखिए यहाँ इस तरह से एक दो तीन, और इन सबको एक साथ बुन देंगे। फिर एक दो तीन चार, और इसमें शेप देंगे इस तरह से। फिर एक दो तीन चार पांच, और इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से देखिए। तो इस तरह से मैं इसे कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने इस रो को भी देखिए कंप्लीट कर लिया, और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। और इसके बाद देखिए मैंने तीन बार बुन लिया है ट्रिपल क्रोशे से। फिर देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, एक दो तीन, तीन बल लेंगे, और देखिए यहाँ से इसे यहाँ एक दो तीन, और ये चार, इस तरह से देखिए यहाँ पर इसे फिनिश करेंगे। और अब क्या करेंगे, देखिए एक और दो, दो चैन बुनेंगे, इसे पलट लेंगे। पलटने के बाद देखिए एक और दो, पहले देखिए यहाँ एक बार आपने इस तरह से बुनना है। फिर देखिए यहाँ से दो, दो के बाद देखिए यहाँ आपने यहाँ से इस तरह से एक दो तीन, और तीन के बाद एक दो तीन चार, उसके बाद इसे इस तरह से शेप दे दीजिए। फिर एक दो तीन, इसके अंदर फिर से बुनेंगे, दो हो गए तीन चार, देखिए इस तरह। फिर एक और दो, दो चैन, और यहाँ इस तरह से देखिए फ्रेंड्स। फिर से हमने देखिए, जैसे हमने देखिए फर्स्ट रो बनाई थी, इसी तरह से अब हमने यहाँ फर्स्ट रो रिपीट करनी है। फिर देखिए ये हमने सेकंड रो बनाई थी, तो देखिए मैंने यहाँ सेकंड रो भी बना ली है, फिर हम इसके ऊपर सेकंड रो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स ये जो डिज़ाइन है ये सिर्फ टू रो का डिज़ाइन है, देखिए एक और दो, फिर इसी के बाद देखिए एक और दो, इस तरह से फ्रेंड्स हम इसे पूरा कंप्लीट कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए इस रो को रिपीट कर लिया। देखिए फर्स्ट रो की तरह मैंने देखिए यहाँ ये रो बनाई है, और सेकंड रो की तरह मैंने देखिए ऊपर सेकंड रो भी रिपीट कर ली है। बस आपने फ्रेंड्स इन्हीं टू रो को रिपीट करना है, और आपका बहुत प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा।
और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Yeah.